रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मुनीर शहजाद और आप देख रहे हैं गुरबत एडमिनिस्ट्रेशन यूट्यूब चैनल। इस टाइम मैं जो है गुलाम फरीद के घर मौजूद हूं, जो कि पिछले 3-4 साल से इनको फालिज हुआ है और जो है ना बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं और इनकी मदद जो है ना किसी स्तर पर भी नहीं हुई। और अभी इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या लोगों ने इनकी या किसी हकूमती स्तर से इनकी मदद की है, और इनसे खुद ही डिस्कस करते हैं आपके सामने जो है ना इनसे सवाल पूछते हैं। तो उसे क्या मान रहे हैं? अच्छा, गरीबों की मदद के लिए लोगों को जो सब कुछ मिला है, लेकिन इनको इनका कहना है कि इनको कुछ नहीं मिला, ना कि ना किसी प्राइवेट लोगों से मिला है और ना करीबी किसी सियासतदान आज तक इनके घर आए हैं, और ना ही ये बिलोंग रखते यूनियन काउंसिल 124 से मौजा सिद्धवाली तरंडा मोहम्मद बना डिस्ट्रिक्ट रहमियार खान और तहसील लियाकतपुर। तो आप देख रहे हैं ये इनका घर है, तो इनका रोजगार बड़ी मुश्किल से होता है, तो एक टाइम अगर कुछ पकता है तो दूसरे टाइम बड़ी मुश्किल से होता है। तो अभी हमारा मकसद यही था कि हम इनकी आवाज़ आगे उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं और जितनी सपोर्ट हो सकती है हम इनकी सपोर्ट करें। गुरबत ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इस इनकी आवाज़ को और इनकी सपोर्ट करना चाह रही है, तो इनसे खुद भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी इनसे सवाल को पूछते हैं कि अभी इनके क्या मसले दरपेश है, और इनको जो बीमारी है फालिज की बीमारी है, और ये पिछले तीन चार साल से जो है ना फालिज पर है और बिस्तर पर पड़े हुए। इनका कफालत करने वाला कोई भी नहीं है, कफालत करने वाला ये इनकी छोटी बच्ची है और जो है ना इनकी छोटी सी फैमिली है, 3-4 बच्चे हैं इनके, ये खुद मौजूद हैं बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी कफालत करने वाला स्टेप कोई नहीं है। तो अच्छा मुनीर, ये सो कि रोजगार का सिलसिला किए थी दे ये सो के किए तो ना गुजारा थी ने घर का कोई गन लो जो निकला है वो मैंने मजदूरी कर रहा है जो पाया बारहा में तीन चार आने की रूम कमाया दो खगोल पर। इनका कहना है कि बस अल्लाह के सहारे हम पड़े हुए हैं, खुदा के सहारे पर पड़े हुए हैं, जो भी मेहनत मजदूरी होती है और घर का सर्कल, लेकिन कोई तावन नहीं करता, खुद सहारे हैं, खुदा का सहारा है इनको और किसी का सहारा नहीं है। अभी जो है ना मैं चाहूंगा कि इनको इनकी बेगम भी और इनके बच्चे भी जो उनके दिखाए जाए, आप देख लें कि उनके घर में किस तरह से ये खाना बन रहा है, आप खुद देख लें ये उस तरह से जो है ना इनका घर का खाना बन रहा है। तो आपके तो आपके चूल्हे जलते हैं, लेकिन इनका चूल्हा जलता हुआ आप देख लें, आप इस तरह से ये लोग गुजारा करते हैं। तो उनकी बेगम से भी मैं बात करूंगा कि क्या उन्होंने जो है वो किस तरह से गुजारा करते हैं। आए चलें। अच्छा, किवें गुजारा करें दो घर का? हमारी कोई मदद नहीं हुई तो, और इनके इलाज के लिए इलाज गुलाम फरीदा इनका कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका इलाज करने के लिए जब खाने पीने के लिए ही कुछ ना हो तो फिर इलाज इनका कहाँ से चलेगा, इलाज के लिए कहाँ से पैसे आए, इतने पैसे दरकार हैं। आप जानते हैं कि फालिज के मरीज को क्या कितना एक पैसे खर्च आते हैं। तो यही गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बने और हम गुलाम फरीद की मदद कर सकें। और अगर कोई पर्सनली इनकी मदद करना चाहता है तो हम अपना नंबर जो है ना इसके ऊपर दे देंगे, और जो है ना हम कोई डोनेशन नहीं लेंगे, आप डायरेक्टली हम खुद आपको इनसे मिलवा देंगे, इनके घर ले आएंगे, और इनके आप पर्सनली अगर मदद करना चाहते हैं तो इनकी मदद भी कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं मदद कर सकते, सदका जारिया के सदके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर जो है ना फॉलो करें और फेसबुक पर भी फॉलो करें, ताकि इसका रेवेन्यू बने, इसकी जो आमदनी हो, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस आमदनी के जरिए इनके घर की मदद कर सके। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह।